हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप यू आर फिट। आज फिल्म जो है इंटीग्रल कैलकुलस का डेफिनेट इंटीगल का जो है नया टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेट इंटीगल? व्हाट इज द डेफिनेट इंटीगल? व्हाट इज द डेफिनेट इंटीग्रल? व्हाट इज द डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम? डेफिनेट इंटीग्रल इज नथिंग इज द सम ऑफ लिमिट, सम ऑफ लिमिट, सम ऑफ एट द लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट इंटीग्रल एज द डेफिनेट इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट। लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इज कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड एट द क्लोज इंटरवल ए बी। Then the definite integral a to b f x dx, a b to b f x dx, area bounded by the curve, yeah, y is equal to f x and ordinate x is equal to a and f is equal to b, f y is equal to f x is equal to a and f is equal to b and the x axis and the एंड द एक्स एक्सेल एंड द एक्स एक्सेल लेट मान लिया ये कोई एक कर्व है। सी बाउंडेड एल एम एन आर एल, क्या है एल एम एन आर एल? कौन सा रीडेज रीडेज है? मान लिया एक रीजन है, मैंने ये कंसीडर कर लिया एल एम एन आर एल। एक एक रीजन मैंने एक कंसीडर कर लिया, एक रीजन एल एम एन आर एल, एल एम एन आर एल, एक एक बाउंडेड एक रीजन कर लिया मैंने एल एम एन आर एल। बिटवीन द एक्स एक्सेस, बिटवीन द एक्स एक्सेस एंड द बिटवीन एक्स एक्सेस एंड ऑर्डिनेट पे आ गए एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। ये ऑर्डिनेट आ गए एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। सिंबोलिकली वी हैव दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टू एस एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, ये ढेर सारे एस एन इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन एल
M N R L. Area of the region L M N R L. मान लिए मान लीजिए ये क्या है, ये एस एन, मान लीजिए यहाँ एस एन है, एस वन एस टू एस थ्री, बहुत सारे रेक्टेंगल हैं, बहुत सारे, इनका सम, इनका सबका सम, इन रेक्टेंगलों का सम, दैट इज कॉल्ड टू द एस एन, दैट इज कॉल्ड टू द एस एन इक्वल टू मीन्स ए टू बी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इट मीन्स इट विल बी टू द ए टू बी F X D X. We have in this that is called the definite integral. A to B F F X D X. We can write. इसे लिख सकते हैं इसे. A to B f x dx क्या आ गया भैया, A to B f x dx limit n tends to infinity to sigma R is equal to 0 to n minus 1 H F A R plus H H F A R plus H or limits R tends to 1 to and H F A plus R H. A to B F X D X limit n tends to infinity to R 0 to n minus 1 H F A plus R H R equal to 1 to n H F A plus R H H F plus A R H एच एफ ए प्लस आर एच, ठीक है भाई, यही क्या है, ये सम ऑफ लिमिट इन्फिनिटी टू ये ए टू बी एक्स एस एच डी एक्स, दैट इज कॉल्ड टू द डेफिनिट इंटीग्रल. इस डेफिनिट इंटीग्रल के सम ऑफ इंपोर्टेंट सीरीज का इसके सम के ही इस्तेमाल भी कर सकते हैं जैसे निकालने के लिए, जैसे जस्ट सम ऑफ, ठीक है, अब सम ऑफ इंपोर्टेंट सीरीज का सम निकालते हैं, जैसे याद करते हैं, जैसे याद भी होगा कुछ लिखवाता हूं मैं तुम्हें, जैसे 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 क्या आ गया भैया, ये सिग्मा आर वन टू आर, सिग्मा आर वन टू एन, आर वन टू एन, सिग्मा आर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, यानी कि यानी सिग्मा आर यानी मीन्स वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू आर अप टू एन, ये सिग्मा ये आ गया एन इंटू एन प्लस वन बाई सिक्स, एंड सिग्मा आर इज इक्वल टू, सिग्मा आर इज इक्वल टू वन इंटू एन, आर का स्क्वायर क्या देता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, वेयर ये वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वी कैन से द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ
सम फर्स्ट नेचुरल नंबर एन नेचुरल नंबर एंड सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर टू का स्क्वायर, ये कर लो, ये एन प्लस वन का स्क्वायर क्या लिखेंगे फोर, ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर देयर सम स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड द क्यूब ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर दैट इज कॉल्ड इसको याद कर लेंगे ठीक है। आगे जीपी सम ऑफ जीपी ऑफ एन टर्म एफ इक्वल टू एफ एन इक्वल टू सम ऑफ जीपी ऑफ एन टर्म इक्वल टू एफ इक्वल टू ए आर एन की पावर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, वेयर ए इज द ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए इज क्या है फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन डिफरेंस एंड आर इज नॉट इक्वल टू वन, यह जीपी के लिए क्या के लिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। अब ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हो गया फोर्थ। नाउ अब आगे करते हैं, अब इसे आगे करते हैं फिफ्थ। नाउ साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा इक्वल टू साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, साइन बीटा बाई टू, साइन एन बीटा बाई टू का मतलब क्या आ गया साइन टू एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, टू एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई, एक ये फॉर्मूला मिले, एक ये इसका फॉर्मूला मिले, क्या मिले हो गया साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बीटा साइन अल्फा प्लस टू बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या आ गया फॉर्मूला साइन एन बीटा बाई टू साइन बीटा बाई टू साइन टू अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा अपॉन टू। सिमिलरली कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस टू बीटा कोस अल्फा प्लस माइनस वन बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस एन बीटा बाई टू कोस एन बीटा बाई टू अपॉन cos n beta by 2 upon क्या है cos n beta by 2 upon sin n beta by 2 upon ये वही है क्या है sin n beta by 2 upon beta by 2 सिर्फ ये यही है क्या sin n beta by 2 sin n beta by 2 upon sin beta by 2 यहाँ cos आएगा cos 2 alpha प्लस टू एन माइनस वन बीटा अपॉन
ये आ जाता है, क्या आ जाता है, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा के बोलता है साइन एन बीटा बाई टू, साइन बीटा बाई टू, साइन टू अल्फा प्लस। याद करने का तरीका क्या है, जहां ये साइन क्या है, ये कोस क्या है, ये तो सब में एडिटिव आना, ये तो सब में, और इसका एंगल भी समाना। ये साइन वाले में क्या आएगा, साइन आएगा, और कोस वाले में यहाँ कोस आएगा। ये भी याद कर, ये भी याद, ये भी याद हो जाता है। नहीं, साइन एल्फ क्या आ गया, साइन एन बीटा बाई टू, ये रखा साइन एन बीटा बाई टू कॉमन, अपॉन साइन बीटा बाई टू, साइन टू एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा एन बाई टू, इसमें क्या रहता है, कॉस टू एल्फा प्लस टू माइनस वन बीटा बाई टू। और ये फिफ्थ हो गई, ये सिक्स्थ हो गई। और क्या सीरीज हो सकती है, इनके डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। पेपर में बहुत आते हैं इस तरह की चीजें, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन है, ये इक्वल टू फाइव स्क्वायर अपॉन टू एस, इक्वल टू फाइव स्क्वायर अपॉन टू एस। वन प्लस टू का स्क्वायर फाइव स्क्वायर अपॉन सिक्स, फाइव स्क्वायर अपॉन सिक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एट, वाई स्क्वायर अपॉन 24। ये नहीं, वन माइनस टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर फाइव स्क्वायर फोर स्क्वायर, वन प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर सेवन स्क्वायर इक्वल टू फाइव स्क्वायर अपॉन सिक्स, दैट इज मीन वन प्लस थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर सेवन स्क्वायर इक्वल टू फाइव स्क्वायर अपॉन एट, टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर इक्वल टू 24। ये भी हम जो है इसका जो है इजीली निकाल सकते, याद कर लेंगे इसको, ठीक है। अब जैसे देखो भाई,
देखो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, फिर अगेन क्वेश्चन है क्या है, लिमिट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच आर इक्वल टू वन टू एन एफ ए प्लस आर एच, एफ ए प्लस आर एच या इन स्पेशल केस, इन स्पेशल केस ए इक्वल टू वो जीरो एंड बी इक्वल टू वन, इन इट इज जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू वन लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एन, वन अपॉन एन आर इक्वल टू वन एन एफ आर अपॉन एन, नाउ वी कैन सी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एन आर इक्वल टू वन टू एन एफ आर अपॉन एन लिमिट एन टेंस टू वन आर एफ अपॉन एन, अगर इस तरह की जीरो है लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एन आर इक्वल टू वन एफ आर एन, इस तरह में जो है ये हो गया इंपॉर्टेंट, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एन आर इक्वल टू वन टू एन एफ आर अपॉन एन इक्वल टू जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे क्या है, ए टू बी लिमिट एन टेंस टू, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन ए प्लस वन अपॉन एन ए प्लस वन प्लस वन अपॉन एन ए प्लस टू वन अपॉन एन ए, जब बी मान लीजिए ए है यहां तो क्या मान लो बी मान लो वन अपॉन एन बी, फाइंड द ई वैल्यू, उसकी ई वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है कि ई वैल्यू निकालनी है,
एन टेंस्ट इनफिनिट, इसे क्या लिख सकते हैं? देखो इसे क्या लिख रहे हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन ए प्लस वन अपॉन एन ए प्लस वन वन अपॉन एन ए प्लस टू वन अपॉन एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी माइनस ए, एन ए प्लस एन बी माइनस ए, ये आ गया। इसको जनरलाइजर कर, इसको जनरलाइज करते लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ये क्या आ गया वन अपॉन एन ए, वन अपॉन एन ए प्लस आर, वन अपॉन एन ए प्लस और इसके लिमिट भी लिख दूंगा यहां वन अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो टू जीरो टू, यहां पे जीरो है एन पहले जीरो है ना, जीरो टू बी माइनस ए, जीरो टू बी माइनस ए, जीरो टू बी माइनस ए एन वन अपॉन एन ए प्लस आर, या वन ए एन प्लस आर। इसमें से दोनों में जो है एन कॉमन ले लूंगा, क्या आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू जीरो बी माइनस ए एन, एन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा, ए एन कॉमन ले लूंगा, ये क्या आ जाएगा ए प्लस आर प्लस एन, ए प्लस आर अपॉन एन, इसे वन बाय एन को बाहर लिख दूंगा, ये लिमिट से बाहर आ गए, वन अपॉन एन लिमिट एन चाहे वन अपॉन एन ए प्लस आर अपॉन एन, फिर वही फॉर्मूला हो गया वन अपॉन एन ए प्लस एक्स, ये क्या आ जाएगा वन अपॉन ए प्लस एक्स, ये वही फॉर्मूला आएगा ए टू लिमिट वही आ जाएगी ए टू बी माइनस ए, क्या आएगी लिमिट ए टू ए टू बी माइनस ए, वो फॉर्म लिखा जाएगी वो लिमिट होते लिमिट ए टू बी माइनस ए वन प्लस ए प्लस एक्स इंटू बी एक्स, ए टू बी माइनस ए क्या जाएगी ए प्लस बी एक्स डी एक्स अपॉन ए एक्स, वन अपॉन ए एक्स का फॉर्म क्या आएगा लोग एक्स, लोग ए प्लस एक्स इक्वल टू बी माइनस ए इंटू ए, लोग ए प्लस एक्स इंटू बी माइनस ए, इसकी जीरो टू बी माइनस ए, जीरो टू बी माइनस ए क्या यहां देखिए लोग ए प्लस बी माइनस ए माइनस लोग ए प्लस बी, ए से लोग बी माइनस लोग, लोग बी माइनस लोग ए, ये क्या आ गया लोग बी माइनस के लोग ए इज इक्वल टू क्या आ गया लोग एम माइनस लोग एन, क्या आ गया लोग एम प्लस एन, लोग एम प्लस लोग बी, लोग एम माइनस लोग एन क्या आ गया लोग एम अपॉन एन, लोग एम माइनस एन इज इक्वल टू क्या आ गया लोग एम अपॉन एन, देखो भाई ये एक जो है ये क्वेश्चन था, ये इसका मैंने एन टर्म्स लिख लिया एन ए प्लस जीरो एन ए प्लस वन एन ए प्लस बी माइनस, इसे लिख सकता हूं मैं बी को एन ए प्लस एन बी माइनस ए, फिर का समेशन करके लिमिट आर टर्म्स टू क्या जीरो टू बी माइनस ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन ए एन ए प्लस आर, इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया मैंने एन कॉमन ले लिया, एन को बाहर लिख दिया वन अपॉन ए प्लस आर अपॉन एन, ये हो गया वन अपॉन
लिमिट एन टेंस टू आर इक्वल टू बी वन, वन अपॉन ए प्लस एक्स, वन अपॉन ए एक्स आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस एक्स लिमिट जीरो टू बी माइनस ए, जीरो टू बी माइनस ए, वन अपॉन ए एक्स डी एक्स, वन अपॉन एक्स क्या आ जाता है लोग एक्स, और जीरो टू बी माइनस ए लिमिट रखी क्या आ गया लोग बी माइनस लोग ए, लोग एम माइनस लोग टू लोग एम अपॉन ए, तो क्या लोग बी अपॉन लोग ए, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। जैसे एक क्वेश्चन है वो जैसे क्या क्वेश्चन है, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर सब एन का स्क्वायर, यस ये क्या है वन का क्यूब एन का क्यूब अपॉन अब टू एन की पावर फिफ्टी, अब है ये वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर एन का स्क्वायर, इसको समेशन में क्या लिख सकता हूं, लिमिट एन टेंस टू जीरो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टेंस टू इन्फिनिटी आर इक्वल टू वन, आर इक्वल टू वन टू एन, आर इक्वल टू वन टू आर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा ये लिमिट आर इक्वल टू वन टू एन आर का क्यूब, लिमिट आर टू वन, और ये लिमिट इसकी ना इसकी इकट्ठा ही दूसरों की लिमिट यार एक साथ ही, लिमिट आर टू वन आर की पावर सिक्स, आर की पावर सिक्स, देखो भाई इसे मैं जो है आर अपॉन एन करना चाहता हूं, आर अपॉन एन, इसको क्या करूं आर अपॉन एन, एन स्क्वायर यहां से आ जाएगा, एन क्यूब यहां से आ जाएगा, क्या जाएगा एन की पावर फाइव, और यह है एन की पावर सिक्स, तो इसको जो है एन की पावर सिक्स यहां से आ जाएगा एन की पावर सिक्स, वन अपॉन एन की पावर सिक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां से क्या जाएगा ये इक्वल टू ये क्या जाएगा वन अपॉन एन की पावर सिक्स से ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर दी, क्या जाएगा सिक्स का सिक्स टू तो यहां ले लिया, आर अपॉन एन का स्क्वायर अपॉन ये क्या आएगा आर इज टू वन टू एन सिग्मा आर टू वन टू एन आर अपॉन एन का क्यूब, एक ये ले लिया मेरे भाई, इस तरह नीचे करा ये सब सीधा आ गया, क्या आ गया आर अपॉन वन टू एन आर अपॉन एन की पावर सिक्स, नीचे क्या आ गया थ्री ए रे और टू ये रे थ्री ये रे वन अपॉन एन की पावर फाइव, वन अपॉन एन बचेगा, क्या बचेगा यहाँ से वन अपॉन एन को यहाँ जो है शून्य ले लूंगा, आर इक्वल टू वन, अब हम क्या करते हैं इसमें
और लिमिट एन चेंज इनफिनिटी टू आर इक्वल टू वन, ये एन वन अपॉन एन आर अपॉन एन का स्क्वायर इनकी लिमिट एन चेंज टू इनफिनिटी टू क्या आएगा ये देखो, एक तो ये एक यहां आएगा एन, एक यहां भी एन एन चाहिए था भाई इसमें, एक यहां भी एक एन एन चाहिए था, तो एन की पावर बल्कि किससे कहूंगा सात से, एन की पावर सेवन, एन की पावर सेवन सौ, तो एक तो यहां एन बची जाएगा, एक यहां पर, एक यहां देखा तीन और चार दो छह एक सात, ये सात के सात, ये छह है और एक गुणा सात। अब इसमें वही लिमिट लगा दो, लिमिट के सामने एक्स आर को एन को क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिमिट जीरो टू वन आर टू वन क्या जाएगा आर टू वन एन, क्या लिमिट कहाँ जा रही थी आर इक्वल टू वन टू एन, यानी क्या गई जीरो टू वन, जीरो टू वन क्या गई है एक्स स्क्वायर, क्या गई है लिमिट जीरो टू वन एक्स क्यूब अपॉन जीरो टू वन एक्स पावर सिक्स, जीरो टू वन एक्स की पावर सिक्स। अब क्या आ गया ये, जीरो टू वन एक्स स्क्वायर, जीरो टू वन एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा ये एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, क्या आ जाएगा ये एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री अब टू जीरो टू वन, ये क्या आएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर जीरो टू वन, ये क्या आ जाएगा एक्स की पावर सेवन अपॉन सेवन जीरो टू वन। अब यो वन अपॉन थ्री आ जाएगा, यहां से वन अपॉन फोर आ जाएगा, यहां से वन अपॉन सेवन, क्या आ जाएगा वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन फोर मल्टीप्लाई वन अपॉन सेवन, क्या आ जाएगा यहां से वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री वन अपॉन फोर अपॉन वन अपॉन सेवन, सो वन अपॉन ट्वेल्व अपॉन वन अपॉन सेवन, तो सेवन अपॉन ट्वेल्व, ये क्या आ गया सेवन अपॉन ट्वेल्व आ गया। ठीक, आगे बढ़े भाई, देखो ये लिमिट थी, ये क्वेश्चन था, इसका स्क्वायर इनका क्यूब का एन का क्यूब और यूनिक पावर सिक्स और एन पावर टू, इसको मैंने समेशन करके आर इक्वल टू वन टू एन आर स्क्वायर आर वन टू एन आर क्यूब आर वन टू एन आर की पावर सिक्स, इसको आर की पावर सेवन से डिवाइड कर दिया, आर क्या कर दिया थ्री इनका फाइव एन एन की पावर क्या गया सेवन, क्या गया एन की पावर सेवन अपॉन एन की पावर सेवन, इसे आर अपॉन एन इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा लिमिट जीरो टू वन एक्स स्क्वायर, ये तो सारा इंटीग्रेशन में आ गया समझ लो, जीरो टू वन एक्स स्क्वायर जीरो टू वन एक्स क्यूब और जीरो टू वन एक्स पावर सिक्स, इनका इंटीग्रेशन कर दिया एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री एक्स पावर फोर फिर की लिमिट रख ली, दैट इज आंसर, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, आगे क्या है क्वेश्चन, अरे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स,
लेट ए ग्राफ ए को वाई इक्वल टू एफ एक्स है, इसका ग्राफ हम जो इंटरसेप्ट करते हैं किस तरह, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स है कोई, इस केस में ये एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, फोर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी, द एरिया ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द एरिया ऑफ बाइंडेड बाई दिस फिगर, द डेफिनेट इंटीग्रल, द डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया टू द बाउंडेड बाई कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जो एफ एक्स है और एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्स एंड एक्स एक्स, यानी कि अगर कोई ये y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, मान लिया ये एफ एक्स इक्वल टू जीरो, फोर ऑल x x बिलोंग्स टू a टू b, ये इसमें है ब्रैकेट्स में, तो इसका क्या है कि a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू द एरिया टू द बाउंडेड बाई दिस फिगर ऑफ ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, y equal to fx, if y equal to fx, ordinate x equal to a and x equal to b and the x axis and the x axis, this is called the definite integral in two cases. In general, a to b fx dx is the algebraic sum of the region bounded by the curve y equal to fx, y equal to fx, the ordinate x axis and the ordinate x equal to a, x equal to b. अगर कोई कर्व इस तरह का है, इस तरह का है कि ये कर्व इस तरह का है, कोई किस तरह कर्व है इसका, जैसे ये है, ये है कोई कर्व इस तरह का है, क्या इस तरह का है, ये ये कितना है इसका एरिया, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन, ये इस तरह का एरिया है, इसका एरिया क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर प्लस ए फाइव माइनस ए सिक्स एंड फोर, दैट इज ए टू बी है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वेयर ए वन ए टू आर ए थ्री ये एरिया ऑफ बाउंडेड शेडेड एरिया ए,
ये बाउंडेड बाय स्क्वायर। अच्छा अब हमने क्या क्या है, देखो ये एक तो एफ एक्स के ऊपर आ रहा है, या एक क्या रहा है एफ एक्स के नीचे, जो एरिया एक्स अक्ष के अबव आ रहा है इनका क्या करना है सम करना है, और जो एरिया एक्स अक्ष के बिलो आ रहा है उसे क्या करना है उसको नीचे, उसे क्या करना है माइनस ए, उसे क्या करना है एरिया, यानी कह दो वी हैव टेकन विच एरिया इज अबव द एक्स अक्ष, वी हैव द पॉजिटिव साइन एंड विच एरिया आर बिलो टू द एक्स अक्ष वी हैव देयर नेगेटिव साइन, उसी क्या हम नेगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक है भैया, अब मान लिया जैसे ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सवाल है, देखो एक छोटा सवाल है देखते हैं, जैसे -1 to 1 -1 to 1 डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स 1/x ये है, -1 to 1 डी एक्स अपॉन टेन इनवर्स 1/x क्या आ गया लेट, तो डी एक्स अपॉन क्या आ गया डी एक्स अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स 1/x क्या है डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स 1/x क्या है कोट इनवर्स एक्स, क्या आ गया कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स का क्या डिफरेंशियल होता है 1/1 + x² क्या आता है 1/x² और माइनस भी आता है -1/x² -1 to 1 1/1 + x² 1/x² अब देख लेंगे कि एक्स यहां इवन है, अगर यहां एक्स यो फंक्शन इवन है, इफ फंक्शन इज इवन, इफ वी हैव द फंक्शन इज इवन, इवन मीन्स दैट द फंक्शन इफ वी हैव इज द फंक्शन एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स देन फंक्शन इज इवन, एक्स की जगह अगर माइनस एक्स रख के एफ वही सेम फंक्शन आ गया दैट इज कॉल्ड टू द फंक्शन इज इवन, इफ वी हैव 1 + 1 - x² वी हैव द सेम नंबर 1 + x² इट मीन्स दैट विल बी टू द, इट मीन्स इफ देयर इज इवन फंक्शन, इट मीन्स वी कैन राइट 2 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, इट मीन्स -1 to 1 एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू 2 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, इट मीन्स -2 0 to 1 1/1 + x² डी एक्स, इट मीन्स टेन इनवर्स एक्स क्या आ गया -2 tan 1 + x क्या इंटीग्रेशन क्या आ गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन 0 to 1 ये क्या आएगा -2 tan 1 - tan 0 टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है 5/4 -2 × 5/4 इज इक्वल टू टेन जीरो की वैल्यू 0 इज इक्वल टू -5/2 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -5/2 आ गई। अच्छा अच्छा अब देखो पूछ के समझ में आ रहा होगा, देखो फंक्शन जी कुछ बच्चे या कोई कोई जो है सोच रहा हो या सोचता है, देखो यार ये इंटीग्रेशन भी है डिफरेंशियल भी है साथ में, दोनों अपोजिट होते हैं रिवर्स प्रोसेस होते हैं, तो इससे ये क्या, तो क्या आ गया ये लिख सकता हूं मैं सीधा ही
टेन इनवर्स एक्स वन माइनस वन, ये लिख दू और ये क्या आएगा टेन इनवर्स वन, क्या आएगा ये टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स माइनस वन, ये आ गया। टेन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी है, फाइव बाई फोर, कितनी है इसकी फाइव बाई फोर, टेन माइनस थीटा माइनस तो पहले फाइव बाई फोर आ गई, तो क्या आ गया टू फाइव बाई फोर इक्वल टू फाइव बाई क्यू, इसकी वैल्यू माइनस फाइव बाई टू, तो ये भी कर लो भाई अच्छा अब ये भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन बट दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज क्योंकि टेन इनवर्स एक्स है जो कहां से कहां तक है, ये माइनस वन टू वन है, माइनस वन टू वन है, इसके बीच में क्या आएगा माइनस वन टू वन के बीच, ये है माइनस वन टू वन, यहां जीरो भी आएगा कहीं ना कहीं बीच में। अब टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स है, टेन इनवर्स क्या है वन अपॉन एक्स है, टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो, डज नॉट डू नॉट एग्जिस्ट बी एंड ई एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे डज नॉट एग्जिस्ट है, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए इसलिए जो है इसलिए सोल इस तरह कर ही नहीं सकते, ये रॉन्ग मेथड है। आंसर तो पड़े चाहे बाई बाई टू आ रहा है, चलो माइनस प्लस का, लेकिन दिस प्रोसेस इज रॉन्ग दैट क्योंकि बिकॉज टेन इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो टेन इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर आएगा। टेन इनवर्स एक्स है जिस तरह मान लिया इसको टेन इनवर्स एक्स को पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आ गया कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स का फिर डिफरेंशिएशन है ना, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोट इनवर्स एक्स, यस कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कर देंगे माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा ठीक माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा है ये, और फिर इसकी वैल्यू टू टेन इनवर्स एक्स इसकी लिमिट रख देंगे, ये देखेंगे इवन है माइनस वन टू वन का टू जीरो टू वन वन अपॉन क्या आएगा टू टेन इनवर्स एक्स की लिमिट रख के क्या आ गया माइनस के फाइव बाई टू आ गया, ठीक है भाई। अब देखते हैं नया क्वेश्चन, इफ Let f be a continuous function. Let f be a continuous function on a b closed interval a b. F be a continuous function closed interval. If there exists, x belongs to A to B, ऐसे exist कर जा such that, तो इस तरह का ना A to B f x dx क्या होता है A to B f t dt, इसको रिजल्ट पे याद कर लेना, क्या आ गया A to B क्या जाता है ए टू बी एफ टी डी टी
ना ए टू एक्स, ए टू एक्स, ए टू एक्स एंड एक्स टू बी, ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स टू बी एफ टी डी टी, ये फंक्शन ये जो है इसकी इक्वल हो जाता है, क्या क्या है इक्वल हो जाता है, ए टू एक्स, ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या जाता है एक्स टू बी एफ टी डी टी के इक्वल हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। इफ जैसे ए कंटिन्यूस रियल फंक्शन एफ, ए कंटिन्यूस रियल फंक्शन, ए कंटिन्यूस रियल फंक्शन एफ सेटिस्फाई ए कंटिन्यूस रियल फंक्शन एफ सेटिस्फाई एफ टू एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, एफ टू एक्स इक्वल टू थ्री एफ एक्स, थ्री एफ एक्स फोर एल एफ फोर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड इफ जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वन, इफ जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वन, इफ जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन टू एफ एक्स डी एक्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स की, इसकी वैल्यू देखो क्या सवाल है, ए कंटिन्यूस रियल फंक्शन ऑफ एफ सेटिस्फाइड क्या सेटिस्फाई एफ टू एक्स इक्वल टू थ्री एफ एक्स फोर एल एक्स बिलोंग टू है एफ टू एक्स इक्वल टू थ्री एफ एक्स एंड क्या दे रखा जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स की, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो वी है क्या रखते हैं हमें, वी है क्या क्या पता है हमें, एफ टू एक्स इक्वल टू थ्री एफ एक्स, इसकी वैल्यू बताया एक, इसकी वैल्यू बताया जीरो टू वन एफ एक्स जी एक्स वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू पता है। वैसे और क्या करा फिर हमने, यहां पे क्या जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ टू एक्स अपॉन वन बाई थ्री, इसे इसे लिमिट दिया ये क्या आ गया यहाँ से जीरो टू वन, जीरो टू वन वन बाई थ्री आ गया एफ टू एक्स डी एक्स, जीरो टू वन एफ टू एक्स डी एक्स आ गया। अब अगर मैं टू एक्स को टी मान दू, क्या मान दू, पुट पुट टू एक्स इक्वल टू टी, तो क्या रहा टू डी एक्स इक्वल टू डी टी, जब x को जब x इक्वल टू जीरो है तो t इक्वल टू जीरो है, जब x इक्वल टू वन है t इक्वल टू टू है, t इक्वल टू क्या है टू है, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टू, तो क्या आ गया वन अपॉन सिक्स, क्या आ गया वन अपॉन सिक्स लिमिट जीरो टू, लिमिट जीरो टू टू वैन x इक्वल टू वन t इक्वल टू टू जीरो टू टू जीरो टू टू एफ टी डी टी, क्या आ गया एफ टी डी टी जीरो टू टू एफ टी डी टी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है
इसकी वैल्यू वन वन चली आ रही है, तो वन इज इक्वल टू वन, क्योंकि आगे जीरो टू टू यहां क्या गया, ये जीरो टू टू एफ टी जी टी इज इक्वल टू सिक्स, जीरो टू टू एफ टी जी टी इज इक्वल टू सिक्स। और अब इसको मैं जो ब्रेक कर लूंगा दो हिस्सों में, क्या आ जाएगा, जीरो टू वन एफ टी डी टी प्लस वन टू टू एफ टी डी टी इज इक्वल टू सिक्स, जीरो टू वन एफ टी डी टी वन टू टू एफ टी डी टी जीरो टू वन एफ टी टू डी टी डी टी। और इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, अगर वन टू एफ टी डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वन टू टू एफ टी डी टी इज इक्वल टू सिक्स माइनस जीरो टू वन एफ टी डी टी एफ टी डी टी। अच्छा इसी एफ टी जीरो टू वन एफ टी डी टी की वैल्यू फिर कितनी आ गई यहां से, ये जी कितनी है, यह जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स भी कर सकते हो, वन टू एफ एक्स डी एक्स क्या कर सकता हूँ, फिर ये क्या आ गया यहाँ से, ये क्या इधर यहाँ देखो वन टू टू एफ टी बी टी इज इक्वल टू क्या यहाँ से सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव, यानी जीरो टू वन टू टू एफ टी डी टी यानी जीरो आ गए, वन टू टू एफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या गया जीरो टू वन टू टू एफ टी डी टी इज इक्वल टू फाइव। ये क्या गया वन टू टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाइव, ये आ गया। देखो भाई क्या था, एक कंटिन्यूअस इंटीजर फंक्शन एफ सेटिस्फाई एफ टू एफ इज थ्री एफ एक्स फोर एल एक्स बिलोंग्स टू बी इफ जीरो टू वन एफ एक्स जेड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन टू एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो भाई वी है एफ टू एक्स इक्वल टू थ्री एफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री एफ टू एक्स और जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू दे रखी, एफ एक्स की वैल्यू यहां से क्या रख दी एफ टू एक्स वन बाई थ्री रख दिया और टू एक्स को क्या मान लिया टी रख दिया, इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी वैन एक्स इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू टू वैन एक्स इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू जीरो आ जाएगी, तो वन बाई सिक्स जीरो टू टू एफ टी डी टी आ गया और जीरो टू टू एफ टी डी टी की जीरो टू ये सिक्स को क्या आ गया इसे इधर कर दिया मल्टीप्लाई कर दी जीरो टू टू एफ टी डी टी, इसे ब्रेक कर लिया लिमिट को जीरो टू वन प्लस वन टू टू एफ टी डी टी। अच्छा अब मुझे लिमिट की वैल्यू निकालनी है इसकी वन टू टू एफ टू डी टी इधर ही आ जाएगा सिक्स माइनस जीरो वन एफ टी डी टी एफ टी डी टी एंड जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी वन, तो क्या आ गया जीरो सिक्स माइनस वन जीरो वन टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाइव दैट इज फॉल्स इट इज द आंसर जीरो टू वन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है भाई आई सुन आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टर्न पे फिर मिलते हैं, थैंक्स बेस्ट ऑफ लक।